हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू एज गुरु। और आज हम लोग इस वीडियो में 65वीं बीपीएससी के लिए 22वां प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसमें मैंने जीके के 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है और सभी प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, वर्ष 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र दिल्ली में वास्तविक नियंत्रण कंट्रोल किसके हाथों में था? पहला का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बख्त खान। वैसे तो वहां पर लीड कौन कर रहा था? सम्राट बहादुर शाह, लेकिन वास्तविक नियंत्रण बख्त खान के हाथों में था। दूसरा प्रश्न है, समुद्री यात्री से संबंधित देश के संदर्भ में कौन सा सम्मेलन गलत है? दूसरा का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तस्मान। तस्मान जो है हॉलैंड का यात्री था, ठीक है, डच यात्री था वो, जिसने की तस्मानिया, न्यूजीलैंड और फिजी की खोज की थी। नेक्स्ट है, मराठों द्वारा तोड़े गए श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए किसने धन दिया था? तीसरा का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, टीपू सुल्तान ने। हैदर अली ने भयंकर संघर्ष के बाद मराठाओं से देवनहल्ली, जो कि बेंगलुरु के पास है, उसका किला छीन लिया था। जवाब में 1791 में रघुनाथ राव के नेतृत्व में मराठों ने मैसूर जिले के वेदनूर पर जवाबी हमला किया। इसी हमले के दौरान श्रृंगेरी मठ को भी नुकसान पहुंचाया गया था। चौथा प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? चौथा का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। चौथा में कौन कौन गलत है? बंगाल से दासों के निर्यात पर रोक लगी 1789 में, और करौली का विलय किया गया 1855 में, ठीक है, 1855 में। तो बी और डी गलत होगा, तो ई ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? पांचवा का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अस्थाई बंदोबस्त किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर से संबंधित है, और जेम्स ग्रांट, ठीक है। इसके अलावा बाकी सभी गलत सुमेलित है। महलवाड़ी व्यवस्था से संबंधित है हॉल्ट, मैकेंजी, मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन, ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित है कैप्टन रीड, थॉमस मुंडो, एलिफिंस्टन, प्रिंगल और चैपलिन। इजारेदारी व्यवस्था या फार्मिंग सिस्टम से संबंधित वॉरेन हेस्टिंग्स। तो पांचवा का सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, बेलू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहां पर किया था? छठा का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल में। यह विद्रोह कहां पर हुआ था? त्रावणकोर में। सातवां है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक रमेश चंद्र दत्त, मतलब आरसी दत्त, इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी? सातवां का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1899 के लखनऊ अधिवेशन में। आठवां है, किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल राइफल्स के हिंदू सिपाहियों ने मुसलमान भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? आठवां का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। नौवां प्रश्न, कैबिनेट मिशन 1946 के बारे में कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है? नौवां का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। नौवां में कौन कौन गलत है? बी और सी। यह मिशन जो है 29 मार्च 1946 को भारत आया था और 16 मई 1946 को मिशन ने अपनी योजना प्रस्तुत की थी। तो बी और सी गलत है, तो ऑप्शन ई सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी घटना 1945 में हुई? दसवां का सही उत्तर ऑप्शन ई, एक से अधिक। सीआर फॉर्मूला, इसका समय था 1944। बाकी सभी घटना जो है, आजाद हिंद फौज मुकदमा, वेवेल योजना, शिमला सम्मेलन, सभी 1945 में हुए थे। ग्यारहवां प्रश्न, महावीर ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजगिरी में। राजगिरी के निकट एक जगह है बिपुलाचल पहाड़ी, वहीं पर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। 12 है,
अशोक के किस लेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है? 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इलाहाबाद स्तंभ लेख। 13वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत सुमेलित है? 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलंकृत ईंटें कहाँ से पाई गई है? ये कालीबंगा राजस्थान से पाई गई है। कालीबंगा का अर्थ होता था काले रंग की चूड़ियाँ, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। 14 है, किस गुप्त शासक ने हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरसिंह बालादित्य। 15वां प्रश्न है, भारत से दासों के निर्यात पर किसने प्रतिबंध लगाया था? 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिरोज तुगलक ने। 16 है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत सुमेलित है? 16 का सही उत्तर ऑप्शन सी, निकोलो कोंटी जो है विजयनगर साम्राज्य में आया था, विजयनगर के राजा उस समय देवराय द्वितीय के समय में आया था। 17वां प्रश्न, 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेनाओं का नेतृत्व किसने किया था? 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सदाशिव राव। मराठों और अफगान के बीच में हुआ था यह लड़ाई। जहांगीर के शासनकाल में नादिर उल उस्र की उपाधि किसे दी गई? 18 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उस्ताद मंसूर को। उस्ताद मंसूर जहांगीर के दरबार में पक्षियों का मशहूर चित्रकार था, पेंटर था। 19वां प्रश्न, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच में। 19 का सही उत्तर ऑप्शन बी। 20वां प्रश्न, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान दीजिए, इनमें कौन सा मिलान सही है? 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, 20 में कौन कौन सा सही है? ए बी और सी सही है और डी जो है गलत है। अनुच्छेद 148 से 151 में क्या है, इसमें जो है भारत के कैग मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल मतलब नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियों और कार्यों से संबंधित यह अनुच्छेद है, 148 से 151 तक। 21 है, भारत का संविधान भारत में सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वास्तविक न्यायाधिकार। 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की संवर्ती सूची में नहीं है? 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, वन केवल जो है संवर्ती सूची में है, जिसपे राज्य एवं केंद्र दोनों ही कानून बना सकता है, इसी को संवर्ती सूची कहा जाता है, ठीक है। बाकी तीनों जो है वो संवर्ती सूची में नहीं है। 23वां प्रश्न, सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का, किस हाई कोर्ट का है? 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। 24 है, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका से। 25वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत सुमेलित है? 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 54 में नहीं बल्कि अनुच्छेद 44 में है, समान नागरिक संहिता, ठीक है, अनुच्छेद 44 में, बाकी तीनों सही है। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत सुमेलित है? 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 19वां संशोधन। राज्य को पुनर्भाषित किया गया था 18वें संशोधन में, तो ये गलत सुमेलित है, बाकी सब सही है। 27 है, संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया?
27 का सही उत्तर ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया। 28 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसको सम्मिलित नहीं करता है। 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पारसी। 29वां प्रश्न है, लिटिल अंडमान को कार निकोबार से कौन अलग करता है। 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 डिग्री चैनल। 30 है, निम्नलिखित जल विद्युत परियोजना और नदियों के संदर्भ में कौन सा जोड़ा गलत है। 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई एक से अधिक। ए तुलबुल परियोजना जो है यह झेलम नदी पे है, ठीक है, ना कि सतलज नदी पे, तो यह गलत हो जाएगा। और नापता झाकरी परियोजना यह जो है हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पे है, तो यह भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा। 24वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच में सीमा रेखा बनाती है। 31 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसको पाकिस्तान तो अपनी सीमा रेखा मानता है लेकिन भारत इसे अस्वीकार करता है और यह रेखा कच्छ गुजरात के पास है। 32वां प्रश्न है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जाम्बेजी नदी पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों के उद्गम स्थल के संदर्भ में कौन सा जोड़ा गलत है। 33 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ पर है, अमरकंटक अनूपपुर, ठीक है, और नासिक जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है गोदावरी नदी। 34 है, वह झील कौन सी है जिससे होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। ग्लेशियर निक्षेप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, मतलब इसमें से कौन ग्लेशियर के निक्षेप से बनता है। 35 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई एस्केरी को छोड़ के मोरेन ड्रमलिन्स और केटल तीनों ही ग्लेशियर के निक्षेप से बनने वाली आकृति होती है, ठीक है। एस्केरी किसको कहा जाता है, छोटे से पथरीले द्वीप को कहा जाता है जहाँ पर मानवीय जीवन यापन की संभावना बहुत कम होती है, इसे लो सी स्टैक भी कहा जाता है, लो सी स्टैक। 36वां प्रश्न है, सुंगारू जल संधि किन दो को अलग करती है। 36 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जापान सागर और प्रशांत महासागर को। 37 है, बरमूडा ट्रायंगल कहां पर मिलता है। 37 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर में। 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित जनजातियों के संदर्भ में कौन सा जोड़ा गलत सुमेलित है। 38 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बुक्सा। बुक्सा हिमाचल प्रदेश में नहीं पाया जाता है बल्कि यह उत्तराखंड में पाया जाता है। अब बुक्सा जनजाति की एक खासियत है, इसमें अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह प्रचलित है। नेक्स्ट है, सन सिटी और ब्लू सिटी के नाम से भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध है। 39 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जोधपुर। जयपुर पिंक सिटी है। 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वत के संदर्भ में कौन सा जोड़ा गलत सुमेलित है। 40 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी माउंट एल्ब्रुस। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत नहीं है बल्कि यह यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है जो कि रूस में स्थित है। 41 है, संसार में सबसे लंबा बांध कौन सा है। 41 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पे बना हुआ है, उड़ीसा में स्थित है, इस पे ही सबसे लंबा बांध बनाया गया है। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में सोन की सहायक रिहंद नदी पर है। करीबा बांध जो है जाम्बेजी नदी पर है। असमान बांध नील नदी पर है। 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत सुमेलित है।
42 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। ठीक है, पहला सैडल पिक नेशनल पार्क कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में, और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभयारण्य है महाराष्ट्र में। ठीक है, देखिए एक गलत हो गया और एक हो गया सी। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर के अनुसार राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में पहला स्थान किसका है? 43 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दादरा एवं नगर हवेली का। 44 है, वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशतता किस राज्य में है? 44 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिजोरम में। और सर्वाधिक वनावरण कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक वृक्षावरण कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और वृक्षावरण प्लस वनावरण मिला दिया जाए तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय विकास परिषद मतलब कि एनडीसी का गठन कब किया गया था? 45 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1952 में। छियालीस है, हाल ही में अनुमोदित आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन, इसमें निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं सम्मिलित हुई हैं? 46 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। कौन कौन? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना, इन दोनों को शामिल किया गया है। 47 है, भारत द्वारा सबसे ज्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि पदार्थ कौन सा है? 47 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बासमती चावल। 48 है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? 48 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा मिलकर इसका संचालन किया जाता है। एफसीआई के माध्यम से केंद्र सरकार की जिम्मेदारियां होती है खरीदना, भंडारण, अनाज का परिवहन, और राज्य सरकार को अनाज का बल्क जो है आवंटित करना। राज्य सरकार की जिम्मेदारियां क्या क्या है? परिचालन, गरीबी रेखा से नीचे परिवारों की पहचान, राशन कार्ड जारी करना, उचित मूल्य दुकानों के कामकाज का पर्यवेक्षण करना। 49वां प्रश्न है, प्लांड इकोनॉमी फॉर इंडिया इस पुस्तक के लेखक कौन है? 49 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एम विश्वेश्वरैया। 50वां प्रश्न है, वाणिज्यिक फसलों के लिए मूल्य समर्थन संचालन को लागू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी कौन है? 50 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेफेड। नेफेड की स्थापना हुई थी 1958 को, 2 अक्टूबर 1958 को। इसका फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदी में हो जाएगा भारत के राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मुझे आशा है कि वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।